नमस्कार साथियों, मैं वार कृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का। साथियों, अभी हाल ही में रीट भर्ती परीक्षा जो आयोजित हुई है उससे संबंधित जो कट ऑफ है उसका अनुमान दैनिक भास्कर के द्वारा जो दिया गया है वो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। यहाँ पे साथियों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान नहीं है, ना ही मैंने कोई पोल का आयोजन करवाया है और ना ही मैं किसी अभ्यर्थी से रूबरू होकर उसके नंबर जानने के बाद ये कट ऑफ बता रहा हूँ। साथियों, एक हल्का सा आइडिया है जो मुझे भी लग रहा है कि ये कट ऑफ सही रहने के आसार मुझे भी महसूस होते हैं, इस वजह से ये दैनिक भास्कर की कट ऑफ ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग हल्की सी कम भी जा सकती है, ज़्यादा जाने की तो मुझे कोई संभावना लग नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपके इससे थोड़े से दो या चार नंबर कम हो तो वो आप भी अपने आप को उस दौड़ में शामिल मान सकते हो। तो दैनिक भास्कर की जो कट ऑफ है साथियों वो किस प्रकार से है वो आप देख लीजिए कि L1 जो है, L1 के अंदर सामान्य वर्ग में जनरल के अंदर अगर किसी साथी के 195 से 205 नंबर बन रहे हैं तो वो साथी दौड़ के अंदर शामिल है, यानी वो एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है। OVC वर्ग के अंदर 190 से 200 अंक जिस भी साथी के बन रहे हैं वो साथी आश्वस्त रहे, उसके बहुत ही अच्छे नंबर बन रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं चयन भर्ती परीक्षा के अंदर हो जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों कि 190 से कम अंक जिसके बन रहे हैं वो साथी शामिल नहीं है, दो या चार नंबर आपके अगर कम भी है तो भी आप दौड़ में अच्छी तरह से शामिल हो। ठीक है साथियों, आप हर कैटेगरी के अंदर आप देख सकते हो दो या चार नंबर अगर आपके कम है तो भी आप शामिल हो। ठीक है साथियों, ये 190 अंक है और 200 अंक है ये। अगर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे आपके 95 प्रश्न हो जाएंगे 95 और ये प्रश्न हो जाएंगे आपके 100। अगर किसी साथी के 95 से 100 अंक बन रहे हैं OVC के अंदर L1 में तो वो साथी आपका दौड़ में है। तो यहाँ पे आपके नंबर दर्शाए गए हैं, इसका आधा करके आप प्रश्नों की संख्या मालूम कर सकते हैं। EWS श्रेणी के अंदर L1 में कट ऑफ रहने का आसार 185 से 195 बताए जा रहे हैं। MBC के अंदर 180 से 190 अंक रह सकते हैं। वहीं SC के अंदर 170 से 180 अंक रहने की संभावना है और ST कैटेगरी के अंदर 165 से 175 अंक अगर किसी साथी के हैं तो उसका चयन अच्छी तरह से इस श्रेणी के अंदर हो सकता है। ठीक है साथियों, मैथ साइंस L2 की बात करें तो L2 लेवल 2 के अंदर मैथ साइंस में जनरल कैटेगरी में अगर किसी साथी के 195 से 205 यानी 195 से 200 अंक बन रहे हैं तो वो साथी अच्छी तरह से दौड़ में शामिल है, दौड़ में शामिल किया निश्चित रूप से उसका चयन हो जाएगा। अगर किसी साथी के अंक इससे थोड़े कम भी बन रहे हैं तो दो या चार अंक कम वाला साथी भी आश्वस्त रहे, उसका भी चयन प्रक्रिया के अंदर या भर्ती परीक्षा के अंदर हो सकता है। साथियों, ये कट ऑफ आपकी अगर पहली लिस्ट के अंदर रहती है तो वेटिंग निकलने के बाद जैसे कुछ साथी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में चले जाएंगे, कुछ साथी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा में चले जाएंगे, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम पहले जारी हो। इसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए जिससे क्या है आपकी कट ऑफ थोड़ी सी और कम जा पाए। ठीक है साथियों, अब OVC की बात करें तो मैथ साइंस के अंदर OVC में 185 से 195 अंक अगर किसी साथी के बन रहे हैं तो उसका चयन हो सकता है। EWS के अंदर 180 से 190 अंक बन रहे हैं। MBC के अंदर 180 से 190 अंक जाने की संभावना है, यहाँ पे समान लिया गया है। ठीक है साथियों, तो ऐसा कुछ नहीं है, समान भी जा सकती है और कुछ अंतर भी आ सकता है कि आप सोचोगे कि EWS से MBC की कम जाती है तो ऑफकोर्स कम जाती है, दो चार नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। SC कैटेगरी के अंदर 160 से 170 अंक अगर आपके बन रहे हैं और ST कैटेगरी के अंदर 155 से और 165 अंक अगर आपके बन रहे हैं तो आप चयन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले हो। सामान्य श्रेणी में अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें हम SST के अंदर तो 210 से अगर 205 आपके अंक बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका 210 से साथियों यहाँ पे ये 215, अगर 210 से 215 अंक अगर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर शामिल होने वाले हो। ठीक है साथियों, OVC कैटेगरी के अंदर आपके 200 से 200 अंक रहने की संभावना बताई जा रही है और वहीं पर EWS की आपके 195 से 205 अंक बन रहे हैं तो आप आश्वस्त रहे। ठीक है साथियों, MBC वर्ग के अंदर सेम वही रहने का अनुमान बताया जा रहा है 195 से 205 यानी 195 अंक से 205 अंक।
एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एससी में 180 से 190 अंक और एसटी में 170 से 180 अंक। ठीक है साथियों, ये आपके रहने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। 170 का मतलब हो गया साथियों आपका 85 क्वेश्चन और 180 अंक का मतलब हो गया आपके 90 क्वेश्चन। 185 से 90 क्वेश्चन अगर एसटी वर्ग के अंदर आपके बन रहे हैं सामाजिक में तो आपका चयन निश्चित तौर पे होने वाला है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से सामान्य श्रेणी में हिंदी की बात करें तो 220 से अगर 230 के बीच आपके अंक बन रहे हैं तो आप निश्चित ही जनरल से सिलेक्शन लेने वाले हो। और वहीं ओबीसी के अंदर 210 से 220 अंक आपके बन रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी से आपका हिंदी में सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। EWS के अंदर 205 से 215 जाने की संभावना है और वहीं MBC के अंदर भी यही अनुमान बताया जा रहा है कि हिंदी में आपके 205 से 215 अगर अंक बन रहे हैं तो आपका निश्चित तौर पर चयन हो जाएगा। SC कैटेगरी के अंदर 195 से 205 अंक जाने की संभावना है, वहीं ST कैटेगरी के अंदर 190 से 200 अंक जाने की संभावना है। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग में अंग्रेजी के अंदर 190 से 200 अंक जाने की संभावना है और ओबीसी वर्ग के अंदर 185 से 195 अंक जाने की संभावना है। अगर EWS श्रेणी की बात करें तो 180 अंक से 190 अंक आपके अंग्रेजी विषय में बन रहे हैं तो आपका निश्चित तौर पर चयन होने वाला है। और MBC के अंदर सेम वही है साथियों, 180 से 190 अंक। SC कैटेगरी की बात करें तो 165 से 175 अंक आपके बन रहे होने चाहिए और ST कैटेगरी के अंदर 160 से 170 नंबर आपके अगर है तो आप सभी का निश्चित तौर पर इस भर्ती परीक्षा के अंदर चयन होने वाला है। साथियों, ये चार सब्जेक्ट L2 की हैं आपकी और L1 के आपके ये जो आंकड़े हैं रहने का अनुमान, पूरा अनुमान दैनिक भास्कर के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो अगर आपके अंक इससे थोड़े कम है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका निश्चित तौर पर बेटिंग के अंदर भी चयन हो सकता है। और अगर आपके इससे थोड़े ऊपर अंक है तो आप निश्चित तौर पर प्रसन्न रहो, आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।